हाय गाइस, मैं हूँ विम्पी और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ और रिव्यू करने वाली हूँ बायोटिक की बायो सीवीड की एंटी फटीग आई जेल। इसे आपको अंडर आई एरिया में लगाना होता है। तो गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे दिए गए एक लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ आएगी एक नोटिफिकेशन बेल, उसे भी प्रेस करना मत भूलना, जिससे आपको मेरी जो फ्यूचर वीडियोज हैं वो मिलती रहेंगी। और सब्सक्राइब करना आप सब जानते हैं कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए जल्दी से देखेंगे इसका रिव्यू। तो दोस्तों, ये है बायोटिक एडवांस्ड की एंटी फटीग आई जेल। ये एक्चुअली एक अंडर आई जेल है, जिसे आप रात में सोने से पहले अपनी आँखों के नीचे जो है लगा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बायोटिक एक ऐसा ब्रांड है जो कि अपने प्रोडक्ट्स को जितना हो सके उतना प्योर और आयुर्वेदिक रखने की कोशिश करता है, और इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं और इजीली अवेलेबल भी होते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो गाइस, सबसे पहले तो ये जो वीडियो है ना स्पॉन्सर्ड है और ना ही कोलैबोरेटेड है। ये प्रोडक्ट मैंने खुद अपने पैसों से ही खरीदा है। तो पहले हम बात करेंगे इसकी पैकेजिंग की। तो गाइस, ये एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग के अंदर आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी क्यूट सी छोटी सी पैकेजिंग है। और अगर इसके इनर पैकेजिंग की बात करें तो ये कुछ इस तरीके की होती है, टब पैकेजिंग है। टब पैकेजिंग मुझे ज़्यादा खास पसंद नहीं है, थोड़ी अनहाइजेनिक सी हो जाती है। अगर ये ट्यूब वगैरह में होती तो ज़्यादा अच्छा था, हम उसकी क्वांटिटी को आराम से यू नो मैनेज भी कर सकते हैं एंड ऑल। और ये इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल जेल है ये, ट्रांसपेरेंट जेल, जैसे एलोवेरा जेल रहती है बिल्कुल वैसा ही है ये। और ये एकदम ड्राई हो जाती है आपकी स्किन के ऊपर, इसे आपको हाथ पर नहीं लगाना है। मैं सिर्फ आपको लगा करके दिखा रही हूँ, लेकिन ऐसे इसे लगाना नहीं है। और इसका लाइव डेमो भी मैं आपको दूंगी। और अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए गए हैं। बेदा फ्रूट है, पल्प है, बादाम तेल, जायफल ऑयल, मधु, चेन्नई घास प्लांट, खीरा जूस और प्योरीफाइड वाटर है इसके अंदर। और गाइज, ये जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कई बार हमारी नींद पूरी नहीं होती है, एक्चुअली ये डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने के लिए नहीं है। और इसने प्रोडक्ट ने ऐसा कुछ क्लेम भी नहीं किया कि आपके ये डार्क सर्कल्स को कम करेगा। ये सिर्फ हमारे जो आंखों की थकावट होती है, कई बार हम फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर आजकल हम कंप्यूटर के आगे भी इतना ज़्यादा रहने लग गए हैं कि हमारे आईज़ जो है बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, और इस वजह से क्या होता है कि हमें नींद नहीं आती और हमारे सर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द रहने लगती है। तो रात को सोने से पहले आप इस जेल को अपनी इस फिंगर के साथ थोड़ा सा लगा लें और बस इसे ऐसे ही छोड़ दें रात भर। इसके प्राइस की अगर हम बात करें तो ये है 199 रुपीज़, और इसकी शेल्फ लाइफ यहाँ दी हुई है 3 साल की। और इसमें आपको मिल जाती है 15 ग्राम की क्वांटिटी आपको मिल जाती है इसके अंदर। और इसकी जो स्मेल की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा हर्बल है, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है, बहुत ही लाइट इसकी स्मेल है और काफ़ी अच्छी स्मेल भी है। और गाइज, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये जेल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ गाइज, क्या हुआ था कि मेरी आईज जो है एक बार काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई फील कर रही थी मेरी आँखें, तो मैंने अपने आईज के नीचे इस जेल को लगाया सुबह के टाइम। और सुबह के टाइम मैंने लगाने के बाद थोड़ा सा मैं यू नो धूप में चली गई, और उसके बाद मेरी जो अंडर आई एरिया है वो बिल्कुल एकदम रेड हो गया था। तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसे दिन में बिल्कुल भी ना लगाएं, और अगर आप लगा रहे हो दिन में तो आप बाहर मत जाएं धूप में, हो सकता है कि ये आप पर उल्टा असर कर दे। तो आप प्लीज़ सिर्फ इसे रात में सोने से पहले ही इसे इस्तेमाल करें, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। और इसे यूज़ कैसे करना है, यहाँ पर लिखा है लाइटली पैट अराउंड आई एरिया मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग में आप इसे अप्लाई ना करें। अगर आप करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 5 मिनट या 3 से 4 मिनट आप रखें अपने आईज पर और अपने आंखों को वॉश कर दीजिए। धूप में आप बिल्कुल ना जाएं, वरना आपकी आईज जो हैं
हो सकता है रेड हो जाएं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे आईज जो एरिया था वो काफी ज्यादा रेड हो गया था। आईज के अंदर नहीं लगाना आपको, इसे आपके स्किन के ऊपर लगाना है। मैं अभी आपको इसका एक डेमो भी दिखा देती हूँ, तो आप अभी डेमो जरूर देखें। तो गाइज ये है अंडर आई जेल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जिस फिंगर से मैं ले रही हूँ बिल्कुल आपको वैसी उसी फिंगर से लेने, क्योंकि वो जो फिंगर है बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होती है और ये जो एरिया होता है हमारी आँखों का ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है। तो बस आपको थोड़ी सी अमाउंट लेकर के रात को सोने से पहले इसे इस तरीके से लगा लेना है, और बस आपको इसे लगाने के बाद सो जाना है। और सुबह आप देखेंगे आपकी जो थकी हुई आंखें थी वो बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गई हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप इसे लगाएंगे, एक कूलिंग सेंसेशन आपको मिलती है, क्योंकि इसके अंदर जो है खीरे का जूस मिलाया गया है, और जो खीरे का जूस होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडक पहुँचाता है। तो गाइज़ इस प्रोडक्ट को यूज़ करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा पसंद आया होगा, अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारे शेयर्स कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।